नमस्कार नमस्कार स्वामी मल्होत्रा जी, जो आपने पांच छह विषय पर जो जो कहा है उसमें क्या है, पहले का जो विषय है कर्नाटक के बारे में जी, जो लिंगायत को के बारे में जी, जो भक्ति का जो कल्ट है और सेवा का जो आदत समाज में बढ़ाना है, ये दो चीज़ में लिंगायत लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। क्या है, कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हजार हजार लोग पढ़ते हैं, वो सस्ते में वो देते हैं एजुकेशन, इंजीनियरिंग मेडिकल और स्कूल एजुकेशन ये भी देते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ पानी कम है, जैसे एरिया है वो कर्नाटक में जो रायलसीमा के पास जो कुछ है, गुलबर्गा जैसे जगह है, वहाँ भी इन लोगों के तरफ से समाज सेवा अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए तो मेन स्ट्रीम में है, अभी तो सब मेन स्ट्रीम में है। जो आप बोल रहे हैं वो कैसे प्रयास हो रहा है हमको पता नहीं, पर अभी तो सब एक साथ, मतलब अपना अपना धर्म, अपना अपना मतलब संप्रदाय, मतलब अपना अपना संप्रदाय कुछ अलग अलग होते भी, जनरल जो फैमिली फीलिंग है, जनरल का जो फैथ है, जो हिंदुइज्म का जो बेसिक डिसिप्लिन्स होता है, माँ बाप को देखभाल करना, वो दान धर्म चैरिटी करना और सिंप्लिसिटी के साथ रहना और झूठ नहीं बोलना, वो किसी को दुश्मन के दृष्टि से नहीं देखना, द्वेष के दृष्टि से नहीं देखना, ऐसे जो शांति एवं सात्विकता जो विषय है उनमें हम देख रहे हैं, सब है, सब है। और इतना ही नहीं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली जो है, डेली जितने बड़े होते भी, जैसे सरदारों में जैसे वो प्रेयर करने का, मतलब सर्विस करने का लंगर इत्यादि होता है, अच्छा ऐसे लिंगायत के भक्त लोग भी शिव जी का बहुत सुंदर डेली स्मरण करते हैं, भक्ति से ही सब कुछ काम शुरू होता है। तो स्वामी जी, इसीलिए कर्नाटक में हिंदू धर्म काफी ज्यादा है, काफी 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 मोर देन तमिलनाडु, जो मास लेवल पर बहुत है, और जो आम जनता तक जो भक्ति का जो दिशा दिखाना है जी, उसमें काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तो अभी तो साथी है, वैसे ही वो भविष्य में भी वो हिंदू जनरल छत्र छाया में ही उसका कार्यक्रम होगा, इसे विश्वास हमको हम रख सकते हैं। तो स्वामी जी, ये जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने सेंटर में पिटीशन लगाया है कि लिंगायत को अलग करना है हिंदू से, बिकॉज मे बी दे आर जेलस, मे बी दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अप, तोड़ना चाहते हैं। वो क्या है, हिंदुइज्म में कुछ कुछ लोग समय के अनुसार कुछ विषय को आगे रखते हुए अपने संप्रदाय को बढ़ाते हैं, ये कि नहीं जी, ऐसे काफ़ी संप्रदाय है, पर जो मूल विषय है, जो सत्य वचन, निराडंबर जीवन, सात्विकता और माता पितृ इत्यादि को मर्यादा से देखना और शाकाहारिता, गोवंश का पालन करना इत्यादि जो विषय होता है, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म में विश्वास रखना इत्यादि, जो गंगा में आस्था रखना, गंगा मैया में आस्था रखना इत्यादि जो चीज़ है वो तो समान है। इसमें कुछ राजनीति का उद्देश्य क्या है हमको पता नहीं, पर अभी जो है साथी है, वो तो बाद में साथी ही होंगे, ऐसे ही हमारा विश्वास होता है।
इसलिए तो साथ रह करके ज़्यादा सुधार ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ खेती ज़्यादा होता है, जहाँ भवन है वहाँ विकास करना एक तो होता है, जहाँ बिल्कुल खेती भी अच्छा नहीं है, पानी का भी दिक्कत है, वहाँ ये लोग जाके अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसलिए तो भविष्य में भी ऐसे एक साथ ही होंगे ऐसे लगता है। स्वामी जी एक और प्रॉब्लम है कि अब ये गौ रक्षा के बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है, बहुत ये बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया नंबर टू बीफ कंट्री और लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट, तो इसका क्या इलाज है, बिकॉज ये तो बहुत ख़राब बात है। जो धर्म का प्रचार जो है उससे हम दूर आ गए हैं, हम मतलब इंडियन ही नहीं, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। जो हिस्ट्री हम देखते हैं, हिस्ट्री में वहाँ वेस्ट में एक तरफ का प्रॉब्लम है और दूसरा डेसर्ट्स एरियाज में प्रॉब्लम्स है, इसलिए विश्व में अनेक प्रदेशों में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम हैं, मतलब धर्म से दूर आना आज ही नहीं, कुछ सदियों से हम दूर आ गए, महाभारत के ज़माने से, महाभारत के ज़माने से आए, वो तो उसमें तो कंट्रोल करने का तब तो भगवान आगे, भगवान आए, भगवान आगे, और जो अच्छे लोग थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, भगवान ने उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिलाया। आज क्या है, अच्छे लोग भी कम हैं, मदद मिलना भी मुश्किल है, मुश्किल, आसुरी शक्ति बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुच संपदम देवी अभिजातोसी पांडव, ऐसे आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के लिए भगवान के पास वो गए हैं अर्जुन, इसलिए तो हमको तो आश्वासन लेने के लिए भगवान के पास जाना है, हाँ एक विषय है, इसलिए भक्ति बढ़ाना है। दूसरा उसमें जनरल धर्म ही कम हो गया, जनरल धर्म मतलब क्या है, जो किसी रिलीजन के होते भी जो बेसिक शांति का रास्ता अपनाना चाहिए वो कम हो गया है, ये रूलर्स उसको देखना चाहिए, रूलर्स जो भी होते हैं जी, किस टाइप का भी रूलर होंगे तो भी जी, डेमोक्रेसी सिस्टम हो, मोनार्की हो या कुछ दूसरा कुछ होता है, किस प्रकार का रूलर्स होते भी जनरल डिसिप्लिन पहले एस्टैब्लिश करना है, उसमें सब लोग सहमत होना चाहिए, राजा का अर्थ तभी होता है, इसलिए तो जनरल डिसिप्लिन का प्रचार होना चाहिए। वो कहाँ से हो सकता है, भारत से हो सकता है, होना है, इसलिए जो भारत जो है अपना नाम के लिए धर्म का प्रचार नहीं किया जी, अपना नाम अपना यश के लिए कभी, अपनी पावर के लिए, पावर के लिए, अधिकार के लिए या गुडविल के लिए कभी नहीं किया, कर्तव्यता के दृष्टि से धर्म का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार ही नहीं, इंडिया में जो भारत में धर्म का प्रचार बाद में शुरू हुआ, धर्म का आचार पहले होता जी, था जी, बाद में ही प्रचार आचार बने, धर्म का आचार, धर्म का विचार, धर्म धर्म के लिए संचार, धर्म के लिए प्रचार, चौथा तो स्वामी जी ये अर्थशास्त्र आज के जमाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटिकल थॉट, इकोनॉमिक थॉट, लेकिन जब ये हिंदुइज्म की सिखाते हैं तो उपनिषद करते हैं ठीक है, इतिहास ठीक है, पूजा ठीक है, पूजा ठीक है, आगमा ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र बहुत कम पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने चाहिए, अब अर्थशास्त्र इस ज़माने में इम्पोर्टेंट है। नहीं, अर्थशास्त्र के लिए क्या है, पहले जनरल डिसिप्लिन पढ़ाना चाहिए, जो भी लीडर्स होते हैं वो उनको क्या है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, उसके बाद अभी जो चल रहा है, अभी क्या है, धर्म का शिक्षा जो लीडर्स होते हैं, चाहे एमपी हो, कांग्रेस मैन हो अमेरिका के, या कुछ पड़ोसी देश चाइना के जो भी
मेन मेंबर्स होंगे, जो भी पुराना यूएसएसआर के कुछ भी मेन पर्संस होंगे रशिया के, सबको जो भी लीडर होते हैं, लीडर का क्वालिफिकेशन धर्म के साथ जोड़ना है। लेकिन पहले इंडिया में भी, इंडिया में भी, इंडिया बाकी में भी। तो ठीक है, पर इंडिया में भी अब अर्थशास्त्र आने चाहिए ताकि यूथ को ट्रेनिंग हो कि कैसे कंट्री को चलाना है, सोसाइटी को चलाना है, कैसे इकोनॉमिक्स को चलाना है। इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें दो विषय है, एक तो विदेश से संबंधित कुछ पर्यावरण होता है, उसके लिए विदेश का हवा भी इधर नुकसान पहुंचने का उसका शक्ति है जी, जी, इसलिए विदेश का पर्यावरण भी ठीक होना है जी, पड़ोसी देशों का पर्यावरण भी ठीक होना है। हाँ, उसके बाद अंदर का जो विषय है, मतलब भारत का जो आप जो चीज़ बता रहे हैं वो तो अवश्य पढ़ाना चाहिए, अर्थशास्त्र ही नहीं भगवद गीता का भी पाठ प्रत्येक भारत के नागरिकों को पढ़ाना चाहिए, मतलब जितना विश्वास के साथ भारत ने काम किया है, जितना सावधान से काम किया है, बिना स्वार्थ काम किया है जी, बिना लग्जरी आडंबर जैसे भारत ने काम किया है जी, मतलब मौका मिला है भारत को, कई संदर्भ में मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, फिर भी अपॉर्चुनिस्ट नहीं रहा भारत। भारत जो है धर्म के प्रति विश्वास से काम किया है, इसलिए अपने नुकसान, कुछ अपने के लिए नुकसान हो तो भी, हम कुछ गरीबी हो तो भी, बीमारी होने भी, क्या है धर्म और हम अच्छा, हमको भलाई होना है, उसके साथ साथ सामने जो व्यक्ति है उसको भी नुकसान नहीं होना है, उस दृष्टि से भारत ने काम किया है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो भारत का जो स्वभाव है, वो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये बात नहीं, भारत के व्यक्ति जो खेती वाले हो, कोई जमींदारी हो, या मेधावी विद्वान हो, व्यापारी हो, सब लोगों का मन में ये सात्विक चिंतन कम से कम कुछ लोगों के मन में 10% है, कुछ लोगों का मन में 30% है, कुछ तो न कुछ है, इसलिए तो क्या है अपॉर्चुनिस्ट नहीं रहे। ये तो पहले की बात है, पहले का आजकल के जमाने में करप्शन बहुत है, डिसिप्लिन कम है, तमस भी बहुत है। नहीं, अभी जो जितना तक विकास नहीं हुआ उसका कारण, मतलब भौतिक दिशा में जो आगे बढ़ने का जो आदत हम कई स्थानों पर देख रहे हैं, जो आदत भारत में पहले नहीं था, मतलब क्या है सुखी जीवन, वो संतृप्ति के साथ जीवन, सबके लिए प्रार्थना करना, जो रात में 9 बजे भी आएंगे उनको भी खिलाना, वो तो दरवाजा बंद कर दिया ऐसी बात नहीं, सब लोग खाने के बाद भी थोड़ा रखेंगे, किसके लिए रखेंगे, अगर कोई रात में कोई आएगा तो भी बहुत ही भिक्षादेही जो भी होते हैं उनको नहीं नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तो कुछ देना जी। मतलब जी। अपने पास कम हो तो भी देने का आदत जो है, ये आज जो चीज है उसमें परिवर्तन आप जो बोल रहे हैं ऐसे कुछ आ गया है, वो ये भारत का स्वभाव नहीं है, जो आप जो बोल रहे हैं अर्थनीति में या जनरल स्वच्छता में जो कमजोरियां है वो ये आ गया, उसको निकालना है। निकालने के लिए दो प्रकार का काम होना चाहिए, एक तो शिक्षा, भगवद गीता, अर्थशास्त्र, शास्त्रीय संगीत इत्यादि, योगा इत्यादि को प्रचार होना है, साथ साथ अच्छे ईमानदारी नेतृत्व हर परिवार में मिलना चाहिए, हर परिवार में मिलना चाहिए, गैर राजनीतिक, राजनीति का नेतृत्व एक प्रकार का है, गैर राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व ये मिलना चाहिए भारत के लोगों को। ये राजनीति का नेतृत्व और ये सामाजिक नेतृत्व का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो हमेशा के लिए है। कानून जो होता है समय के हिसाब से कानून करते हैं, कानून वापस लेते हैं, वो समय का विषय है, ये तो शाश्वत का विषय है धर्म। इसलिए 3 प्रकार से विचार करना पड़ेगा,
एक तो कानून, कानून का क्या है, तत्काल का जरूरत जो जो विषय होता है ऐसे ज़्यादा होता है, तत्काल परिवर्तन ज़्यादा होता है कानून में। आज इतना टैक्स है, आज ये कानून है, ऐसे बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ कुछ हो सकता है, तत्काल का विषय ज़्यादा होता है। जो शास्त्र है उसमें शाश्वत विषय ज़्यादा होता है, परिवर्तन कम होता है। दूसरा समाज, समाज सोसाइटी, सोसाइटी का जो धैर्य है, गौरव है, ये भी हमको तैयारी करना पड़ता है। कुछ चीज़ समाज ग्रहण करता है, कुछ चीज़ न्यूट्रल रहता है, कुछ चीज़ में नकारात्मक अपना आक्षेप, अपना डिसएग्रीमेंट वो समाज बोलता है। इसलिए समाज का भी जो क्वालिटी वो बढ़ाना चाहिए, समाज का बढ़ाना चाहिए। सो स्वामी जी, अब समाज का भी कोई फर्ज है, कर्तव्य है कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करें, एक मंदिर को प्रोटेक्ट करें, जो जो भी हिंदू धर्म के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो उसमें समाज का भी रोल है, बहुत रोल है। वो तो क्या है, हमको संबंध नहीं, ऐसे समाज दूर नहीं रह सकता है। वो क्या है, वो तो ये तो मंदिर का विषय है या सरकार का विषय है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा बेटी का शादी हो गया, हमारा बेटा का शादी हो गया, हमारा काम हो गया, तो स्वामी जी ये मैंने देखा है विदेश रहकर कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, ज्यूइश लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो अपने वर्शिप में, अपने इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बहुत जोर से सपोर्ट करते हैं, जोर से, बहुत सपोर्ट। अभी देखा है ना, एक सप्ताह पहले जेरूसलम में जो कुछ प्रेयर का विषय है, सो ये लोग अपने रिलीजन को, अपने जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, तो ये हमारी जो हिंदू सोसाइटी है उसमें ये कम हो रहा है। ये तो कम होना ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो जागृति श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। जो जो हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उससे ही हमारा प्रेयर शुरू होता है, उसमें तो आदत बढ़ाना चाहिए। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो श्लोक है, जो 1400 वर्ष पहले अफगानिस्तान में लिखा था, शिलालेख में अफगानिस्तान में 600 एडी में वो लिखा है। लेकिन स्वामी जी, इस समय हमारे लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और इन चीज़ों में कम इंटरेस्ट है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए, समाज में ये आस्था बढ़ाना चाहिए। वो जिस विश्वास से पूर्वज लोगों ने मंदिर का निर्माण किया है, मंदिर जो है आस्था का इंस्टीट्यूशन है, जो कंबोडिया में 1000 वर्ष पहले जितना रीति रिवाज के साथ, जितना फैसिलिटीज़ के साथ वो मंदिर का निर्माण किया है, वो तो लाइब्रेरी और भोगशाला विताल फैसिलिटीज़ वो किया है, वो क्या क्या भोग करना है, कितना करना है, वहाँ क्या क्या शास्त्र पढ़ाया गया, मतलब किसका विद्या का प्रचार हुआ, ऐसे वो डिटेल है उसमें, उल्लेख है। इसलिए तो मंदिर को प्रोटेक्ट करने में सब लोग समाज श्रद्धा लेना है, कदम उठाना है। वो तो अपने जो पीढ़ी जिससे लाभान्वित हुए, 15 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले अपने जो एंसेस्टर्स है वो जो लाभान्वित हुए, वो उससे शांति मिला, वहाँ प्रेम को बढ़ाया, वहाँ आस्था को संरक्षण किया। इसलिए तो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है मंदिर हिंदू सनातन संस्कृति का। तो गवर्नमेंट को निकालना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है अभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड हिंदू टेम्पल्स, तो उनको तो वापस लेना हिंदू समाज को ना। मतलब क्या है, जो समाज का जो अधिकार है और समाज का जो कर्तव्य है जी, उसे वो समाज को नहीं निकालना है जी। मतलब क्या है, सरकार का जहाँ तक होना है इतना ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कंट्रोल लिया है
इसलिए समाज को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि समाज कहता है कि तो गवर्नमेंट चलाएगा, चलाएगा नहीं भलाएगा। हाँ। मतलब क्या है, मतलब भलाए, मतलब भलाए, मतलब पलायन, पलायन हाँ, वो तो चलाना का कोई विषय नहीं है वहाँ। वो क्या है, उसमें है ना सरकार का भी कुछ अपना भाव होता है, कब कब जिस सरकार बनता है उसके अनुरूप मंदिरों के बारे में उनका कुछ भाव होता है। वो हमारा जो विषय है मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के हिसाब से हुआ है, मंदिर का जो पूजा पद्धति है वो आगम शास्त्र के हिसाब से होना है, और मंदिर का जो मर्यादा है वो हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। ये तीनों विषय ध्यान में रखते हुए सरकार काम होना है। मतलब क्या है, सरकार का जो विषय है उसमें सरकार का जो रुचि है, सरकार का जो प्रयोग है, वो इसमें ये तीन विषय कैसा है उनको पता स्पष्ट नहीं होता है, शास्त्र और मर्यादा। उसमें समाज का अधिकार उसमें जरूर होना चाहिए मंदिरों में, लेकिन समाज को, समाज को ही अपने मंदिर में चलाना चाहिए, अपने मंदिर को इंटरेस्ट देना चाहिए, अपने मंदिर में ऑर्गेनाइज चीज करनी चाहिए। मतलब क्या है, वो तो हर चीज़ को परमिशन लेने में वो समाज कैसे आ जाएगा। तो पर चर्च तो चर्च वाले चलाते हैं, वो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट नहीं चलाती, और मदरसा और मॉस्क भी, मस्जिद भी। समाज मंदिरों को चलाना है, सरकार मदद करना है। हाँ, सरकार को मदद करना चाहिए, तो इसके लिए समाज को थोड़ा इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव जरूर लेना है। हाँ। इनिशिएटिव लेना है और उसको परमिशन भी कानून के दृष्टि से मिलना चाहिए। अगर ये कीटा वो अलग रखने के लिए या दूसरा दरवाज़ा ओपन करने के लिए, कई चीज़ छोटा छोटा चीज़ के लिए भी अगर ये परमिशन का कुछ परमिट राज्य उसमें होने से समाज तो आगे नहीं आता है। दूसरा, समाज भी अपना कर्तव्य उसमें करना चाहिए। मंदिर को क्या है, स्वच्छ भारत जैसे जो काम है, जो कर सेवा वगैरह, तो समाज को आगे आके करना है। लोग उसमें अभी क्या है, 20-25 वर्षों से समाज में थोड़ा जागृति शुरू हुआ है, वो मंदिरों में जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, कुछ कुंभाभिषेकम लोग कुछ लोग करते हैं, वो तो पर्याप्त नहीं, जो पर्याप्त नहीं है, शुरू हुआ है, पर जो जितना मंदिर है उसके लिए जितना सेवा भाव चाहिए उसमें कमी है, इसमें तो चाहिए लोगों के द्वारा अभियान होना। तो स्वामी जी, हमने पिछले 25 years 25 साल पूरा 100% अपना टाइम लगाया है इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अब ये जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको और जो हमारे हिंदू धर्म के लीडर्स हैं, आचार्यज हैं, गुरुज हैं, उनको इकट्ठे होके काम करना चाहिए। तो हमको हमको और गुरुज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अवश्य ऐसे होना चाहिए। वो तो भारत का जो निर्माण है, भारत का भौतिक दृष्टि से निर्माण के दिशा में राजनीतिक स्तर पर काम होता है, उसका वो तो तुलना करना वो अलग बात है। मतलब क्या, कितना तक काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो अलग बात है। मतलब लोगों के लिए क्या कितना काम हुआ, ये अलग से देखना है जी। पर अभी जो धर्म के विषय पर हमको काम करना है, तो ये तो आपने जैसे कहा, मंदिरों का जो अधिकार है, मंदिरों को चलाना है, में समाज आगे आना है, उसके लिए जो भी कुछ रुकावट हो तो सरकार के तरफ से वो निकालना चाहिए, उसको तो परमिशन मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, भक्त लोगों के द्वारा मंदिर चलाने के लिए ये होना चाहिए। वैसे ही
जो भारत का जो पूर्ण विकास है तभी होगा, धर्म के धर्म का भी विकास जब होता है तभी पूर्ण रूप से विकास भारत का होगा। इसलिए तो धर्म छोड़ के भारत का विकास ऐसे नक्शा भी नहीं हो सकता है, इसलिए तो धर्म तो जरूरी है। लेकिन स्वामी जी कई समस्याएं हैं ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, तो हमको बाकी लोगों से का भी पूर्व पक्ष करना है कि वो लोग क्या हैं, कौन हैं, क्या करना चाहते हैं और उनकी क्या दिशा है, क्या उनके विचार हैं, ये भी करना चाहते हैं। ये तो गवर्नमेंट भी नहीं करेगी और ये जो हमारे जो जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो भी उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये तो बाहर जो विदेश में है उन्हीं को पता चलेगा। ये तो उसमें क्या है, तो जो अच्छा विषय है वो सबसे लेना है, सभी जगह से लेना है जी। अनोभद्राह कर्तव्य यंतु विश्वतः, उसमें जैसे NRIs का जो अनुभव है, पाश्चात्य लोगों के साथ वो काम करके जो अनुभव है, वो अप्रोच कैसे करना है, वो कैसे स्टेप बाई स्टेप जाना है, कैसे जो चीज़ है वो अनुभव भी इधर का इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो है उनको सुनना है, जो जो अपने धर्म का प्रचार के लिए उपयोग होगा ये सब लेना है। इसलिए विदेश का अनुभव ही, विदेश में जो भारत मूल के आप जैसे लोगों का जो अनुभव होता है वो अच्छा, जिस जो भौतिक विश्व में वो लोग आगे हैं, इसलिए तो कई चीज़ में प्रगति भी वहाँ हमने जो सुनते हैं, इसलिए तो वो भी वो सब सुन कर के रिसर्च मेथडोलॉजी, जो प्रेजेंटेशन का पद्धति, जो जो आर्कियोलॉजी साइट का प्रसर्वेशन और अपने जो चीज़ होगा उसको लिस्ट करना, ये सब जो चीज है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रखना। लेकिन स्वामी जी अब ये इधर रिसर्च सेंटर होना चाहिए, रिसर्च सेंटर वो तो होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ये जो संस्कृत शास्त्र के ऊपर रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा रिसर्च विदेशी कर रहे हैं, जो अपने हिंदू लोग कर रहे हैं वो तो सेम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल रिसर्च नई बातों के बारे में, नए आइडियाज कई विदेशी जो संस्कृत पढ़ के वो नए तरीके से पढ़ते हैं और उनको कई बातें ऐसी वो उनमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है पर टेक्निकल नॉलेज है, तो वो भी प्रॉब्लम है कि हमारे जो लोग हैं वो इतना इंडोलॉजी में संस्कृत स्टडीज़ में इतना काम नहीं कर रहे जितना विदेशी कर रहे। अब ये तो प्रॉब्लम है ना कि बाहर के लोग हमको क्यों ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेश जाके उनसे पढ़ते हैं, वो जाते हैं हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हाइडलबर्ग, ऐसी जगह जाके पढ़ते हैं, और जो संस्कृत के बारे में जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, वो ज़्यादा विदेश में हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ज़्यादा विदेश में हैं, और जो बड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग ये विद्वान हैं वो विदेश से आते कई। तो ये प्रॉब्लम है, ये तो एक तरह की कॉलोनाइज्ड हैं हम, स्वतंत्र नहीं हैं, एक तरह की स्वतंत्र पॉलिटिकल स्वतंत्र हैं पर धर्म के बारे में स्वतंत्र स्वतंत्र हाँ असतंत्र, वो उन्होंने का हमारे में कंट्रोल है और वो उनमें कंट्रोल है, उनका अपना ही रिलीजन है, उसके मुताबिक वो संस्कृत भी पढ़ते हैं। अब चर्च में बहुत संस्कृत पढ़ते हैं, मतलब क्या है, वो जो भारत के जो मंदिर है या मठ मंदिर है उनके द्वारा ज़्यादा काम और भी होने के लिए मदद मिलना चाहिए, एक विषय है, और समाज में भी उसमें आदत करने का, मदद करने का वो तो मन समाज भी करना है जी। रिसर्च का जरूरत है जी, रिसर्च एंड प्रचार का जरूरत है। पहले क्या अपने लोगों को बीच में बांटने का ही पहले जी, एक्सपोर्ट के लिए नहीं, अपने यहाँ पर स्वदेशी अपना स्वदेशी का यहीं के लिए यूज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल भारत का यूज के लिए ही, और भी रिसर्च पब्लिकेशंस, सेमिनार्स, टीचर्स, व्याख्यान माला, प्रवचन जी, ये सब ज्यादा होना है। क्योंकि अभी अभी ये जो संस्कृत और संस्कृत के जो शास्त्र हैं उसके ऊपर जो रिसर्च करने वाले विदेशी हैं वो हमारे मीमांसा से नहीं जुड़े हुए, वो उनकी अपनी फिलोलॉजी, अपनी मेथोडोलॉजी है, अपनी वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से हमारा शास्त्र पढ़ के उनमें से गलत मीनिंग आता है।
शास्त्र तक जो विषय है वो विदेश से कुछ मांगने का जरूरत हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल मिलने नहीं है, पर हमको कुछ काम करना चाहिए जी। जैसे ज़्यादा वेद पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, वैसे संशोधन केंद्र जी, संशोधन केंद्र पहले कुछ शुरू हुआ था, वो वहाँ स्थगित हो गया। मतलब क्या है, उसको विस्तार नहीं हुआ। जैसे सरस्वती महल है या बड़ौदा लाइब्रेरी है या आनंदाश्रम मुद्रणालय है, निर्णय सागर प्रेस है, होशियारपुर के रिसर्च सेंटर है, पुराना जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी है, ऐसे कुछ जो चीज़ है पहले शुरू किया राजा महाराजा लोगों ने, तब के जमींदार लोगों ने कुछ शुरू किया है, या मूर्धन्य पंडित जी लोगों ने काशी में इत्यादि शुरू हुआ, वो उसका कंटिन्यूटी नहीं हुआ है, अब दोबारा करना है, कंटिन्यू करना है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, जरूर करना इसके है, लिए हमको आपकी सहायता चाहिए, उसमें जरूर करना चाहिए। पहले क्या है, मणिपुर में लाइब्रेरी है, नेपाल में हमने बहुत सुंदर लाइब्रेरी देखा, काठमांडू में कितना भुर्जर पत्र, तालपत्र, ये सब देखा कलेक्शन, हमको आश्चर्य लगा, पहाड़ी इलाका में जितना वो ग्रंथों का संग्रह किया है, ये सब देखते हुए हमको आश्चर्य हुआ है, आश्चर्य और एवं आनंद हुआ है। ऐसे जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उसका ज़रूरत है, ये तो कंटिन्यू करना चाहिए, पब्लिक भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो रिसर्च अपने यूज़ के लिए ही ज़्यादा विषय है, बाद में दूसरों का विषय। स्वामी जी, कई तो विदेशी लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ के उनमें से जो ज्ञान निकालते हैं वो अपनी दृष्टि से निकाल कर अपना बना देते हैं और हमारे शास्त्र से अलग हो जाते हैं, हमारे शास्त्र को क्रिटिसाइज करते हैं। ये जैसे माइंड साइंसेस है, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, इसमें हमारे शास्त्रों के में से बहुत कुछ निकाला जा रहा है, और जो विदेशी लोग हैं वो अपना समझते हैं, अपना पैटेंट लेते हैं, अपना कॉपीराइट लेते हैं, तो ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में भी मैं बहुत पुस्तक लिख रहा हूँ। अवश्य अवश्य, अभी क्या है, जो सनातन धर्म है उसको धर्म के हिसाब से, भूखंड के हिसाब से, समाज शास्त्र के हिसाब से, कानून के दृष्टि से, पेटेंट के दृष्टि से और मानवतावाद के दृष्टि से, ये हमको प्रोटेक्ट करना है। भारत का प्रोटेक्शन शास्त्रों का संरक्षण से समाज को लाभ मिलेगा, विश्व को लाभ मिलेगा, इसलिए ये तो भारत का संरक्षण विश्व का संरक्षण है, वो शास्त्रों का संरक्षण, समाज नीति का, समाज शास्त्र का संरक्षण है, इसलिए विश्वास तो है अम्परा, विश्वास का कार्य रूप होने के लिए आप जैसे बोल रहे हैं तो रिसर्च सेंटर, उसके लिए स्कॉलरशिप, उसके लिए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स, हाँ ये ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज समस्या नहीं होना, इतना ही नहीं, जो ट्राइबल का जो दैनंदिनिक आस्था है, पहाड़ी इलाकों में जो होते हैं उनका जो रीति रिवाज है उसको हमें अध्ययन करना है, वो तो कई ट्राइबल्स जो अफगानिस्तान के पास है या इंडिया में है, कई चीज़ का भी जो उनका जो विचार है सब डॉक्यूमेंट करके वो सब पढ़ाई करना चाहिए समाज के दृष्टि। अभी आस्था के हिसाब से आज चलता है, अब तो प्लानिंग के हिसाब से चलना है। इसमें विदेश का जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ऐसे जो इधर भी संस्था जो शुरू हुआ उसको सुविधा देना है, नहीं शुरू हुआ ऐसे बात नहीं है, जो जितना जो आज जो शास्त्रों का मुद्रण हम देखते हैं, प्रकाशन चौखंबा, निर्णय सागर, आनंद आश्रम इत्यादि इत्यादि जो जो किया है, मेहनत तो किया है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कुछ कर्मकांड संस्कृत का जो विषय है वो तो मुद्रापण तो हुआ है, पंडित विश्वनाथ शर्मा 100 वर्ष पहले श्रीनगर में देवनागरी लिपि में हुआ है, उसको हमने दोबारा पुनर्मुद्रण के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए तो क्या है, कुछ लोगों ने कदम किया है, प्रयत्न किया है, वो तो पूर्ण होने के लिए और आगे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गैप फिलअप करना है, कंटिन्यूटी करना है, आपका उद्देश्य सही है,
उसमें, इसलिए तो भारत में मंदिर का निर्माण भारत में पहले ही हो गया, ठीक है, वो जो रुकावट बीच में जो डिस्टर्बेंस आ गया है या डिस्टेंस आ गया है या डिविएशन आ गया है, विक्षेप आ गया है, इसलिए डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस एंड डिविएशन वो दूर करने के लिए हमको टाइम समर्पित करना है, समर्पण दृष्टि से काम करना है, डेडिकेटेड दृष्टि से काम करना है, उसमें वो एकाग्रता के साथ काम करना है, इसलिए तभी वो भारत का स्वतंत्र जो मिला है उसको पूरा लाभ भारत के जनता को मिलेगा, मिलेगा। बिना संस्कृति, बिना शास्त्र, बिना समाज हित वो तो देश का भलाई पूर्ण होना कठिन है। इसलिए तो आपका जो विषय है, जैसे साइंस को डेवलप करना है, वैसे समाज का जो सीमेंट बनाने का, जी बिल्कुल, समाज का जो एक बनाने का, मैत्री बनाने का जो सहज सिद्ध जी, जो मूलिका है जी, मेडिसिन है या। तो मेडिसिन तो शास्त्र है, ये तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मतलब ये मन का इंफ्रास्ट्रक्चर, मन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये अंदर का आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आध्यात्मिक वो तो बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर। शांति विश्वास से ही कई लोग जुड़ते हैं, आपके प्रति हमारा विश्वास है, आपको हमारा प्रति विश्वास है, मतलब क्या है, विश्वास से ही लोग निकट आते हैं, आस्था से ही लोग निकट आते हैं, उसमें जो साइड इफेक्ट नहीं है, जो म्यूचुअल बेनिफिट है, ऐसा साइंस है हमारा जो भारतीय शास्त्र, भारतीय शास्त्र जो है साइड इफेक्ट नहीं है, और तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है जी, और नेचुरल वे है, नेचुरल वे है, कोई आर्टिफिशियल उसमें नहीं है। तो स्वामी जी, हमको आपकी सहायता चाहिए कि इस काम के लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन है। लेकिन भारत के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनको भी हेल्प करनी चाहिए, अवश्य अवश्य करना है। सीएसआर जो कॉर्पोरेट सीएसआर है, ठीक है, उसके लिए उसमें से वो हमको फंडिंग दे सके, अच्छा, अवश्य अवश्य। उसमें क्या है, सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार जी, और उद्योगपति जी, जो बिजनेसमैन है और कॉमन मैन है जी, वो सबसे ये काम होना चाहिए जी। ये तो भारत का जो पूर्ण स्वरूप जी, पूर्ण लाभ जो मिलना है, हमने तो शुरू किया है, वो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जो शास्त्र का, इसलिए हम बोलते हैं जो मंदिर जो विषय है, अभी तो मंदिर काफ़ी है, मंदिर में जो कार्यक्रम बनना है उसके लिए रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, बिल्कुल, उसमें क्या है, जो रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर अर्चकों का तैयारी करना, उसमें ज्योतिषी को, ज्योतिषी जो है मुहूर्त, उसको तैयारी करना, जो भोग बनाने वाले हैं, रसोई करने वाले हैं, उनको तैयारी करना, जो शास्त्रीय संगीत बजाते हैं नादस्वरम, उनको तैयारी करना, जो मालाकार है, अच्छे अच्छे फूल से माला बनाते हैं, उनको तैयारी करना, ऐसे जो जो मंदिर से जो जुड़ा हुआ काम है, जो कनेक्टेड रिलीजियस वर्क्स है, उसमें हमको पैसा लगाना है और मॉरल सपोर्ट देना है, पैसा लगाना ही नहीं, मॉरल सपोर्ट भी देना है उनको, लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए जो आश्वासन है, उनको घर बनाना, उनको सुरक्षा के लिए काम करना, उनको अवहेलना नहीं करना। लेकिन मंदिर के बाहर भी जो सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम है वो तैयार करना, मीडिया लोगों को ट्रेन करना, तैयार करना, मिलिट्री वालों को धार्मिक आइडियाज देना, ये और जो गवर्नमेंट सिविल सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनको भी हिंदू धर्म के साथ जोड़ना, और इस तरह के फॉरेन डिप्लोमेसी जो आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, इंटरफेथ होता है, जो किसी और रिलीजन के साथ कोई टक्कर भी होती है, ये लेफ्टिस्ट लोगों को जवाब देना, ये सारा इंटेलेक्चुअल काम है अवश्य। ये मंदिर के, मंदिर का तो ठीक है, बट मंदिर के अलावा भी ऐसी चीजें
हमको जैसे हम इलाज के लिए काम ये हम काफी इसी में हम ऐसे लगा अवश्य अवश्य वो क्या है वो तो पर्यावरण एनवायरनमेंट साइंस मुख्य है। हाँ, वो तो इसलिए मंदिर का जो बाहर का एनवायरनमेंट है हाँ, जो एक्ट बनाते हैं पार्लियामेंटेरियन हाँ, है सोशल स्टडीज पॉलिटिकल साइंस ये सब जो धर्म के बारे में जागृति होता है जी, कब होता है रिटायरमेंट एज में होता है जी, ये तो क्या है जब एंट्री होते हैं तब होना चाहिए जी, इसमें तो इसीलिए हम जब 44 के थे तो हमने रिटायर कर दिया कि अब हमको 25-30 इयर्स और हम हेल्थ है तो हम धर्म का काम करेंगे तो 44 से लेके अब हाँ कुछ भी एक पैसा नहीं बनाया सब समाज तन मन धर्म हाँ, तन मन धन समाज के लिए धर्म के लिए धर्म के लिए तो इसके लिए अब हम करते आ रहे हैं अवश्य अवश्य है पर अब तो हम इंडिया आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडिया में हमारे कोई इंस्टीट्यूशन बने उसके लिए सेल्फ हेल्प चाहिए अवश्य उसमें क्या है तो हम तो क्या है विदेश में कुछ अच्छा अनुभव होता है मतलब क्या है एजुकेशन सिस्टम में भी चाहे वो दूसरा कुछ विश्वास के हो तो भी जो होता है वहाँ जो ओपन जितना लैब का सुविधा है और कभी भी हम पढ़ सकते हैं दो साल पढ़ेंगे बीच में छोड़ देंगे दोबारा पढ़ेंगे और ये मेजर करेंगे ये माइनर करेंगे जो जो विषय है बहुत फ्लेक्सिबल है हम उसको सराहना करते हैं इधर जाहिर बाहर सभा में भी उसको सराहना करते हैं इसलिए जो विदेश करके वो तो खिलाफ का व्यक्ति ऐसे नहीं विदेश का जो एक्सपीरियंस है वो सब लेकर के विश्व का क्या पसंद है विश्व में क्या प्रेम है ये तो आप जानते हैं और भारत का जो ऋषियों का संतों का जो वाणी है उसको प्रजा तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके प्राचीन मंत्रों का संरक्षण प्राचीन मंदिरों का संरक्षण प्राचीन जो जनमानस का संरक्षण तो जो मानस होता है मन होता है तो स्वच्छ होता है निर्मलम निर्मल होता है उसको संरक्षण करने के लिए ये तो स्वदेश संस्कृति विदेश विज्ञान विज्ञान मतलब सिस्टम भारत का जीवन सिस्टम जी विदेश का एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोजेक्शन एंड प्रोपेगेंडा सिस्टम प्रोपेगेंडा एंड प्रोजेक्शन मार्केटिंग जो सिस्टम ये प्राचीन शास्त्र का तपस्या साधना और मौन वो जाप और अहिंसा सत्य इत्यादि जो विषय है उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने में ये कदम ये जो प्रयत्न है ये अच्छा है आप जरूर भारत में कुछ करके वो क्या है वो तो भारतीय परंपरा को संरक्षण करने के लिए जो आपका जो आस्था है वो अच्छा है वो इधर आके कुछ कर सकते हैं जो चेन्नई में भी जो करना चाहते हैं जो तमिलनाडु लैंड ऑफ धर्मा उसके लिए भी हमारा अभिनंदन है आप हमको आपका आशीर्वाद चाहिए अवश्य 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 ये अच्छा है जरूर ये काम आगे बढ़ना है उसमें लोग में आज क्या है प्रेम है आज युवा पीढ़ी भी लंदन कनाडा यूएस सभी जगह में जो जो अच्छे युवा पीढ़ी है वो धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं उसको चैनल चाहिए उसके लिए वो क्या है उसके लिए एक्शन प्लान भी चाहिए इसलिए आप सब ये उसमें सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं ये करके भारत में प्राचीन शास्त्र और नवीन विज्ञान प्राचीन शास्त्र दोनों मिलाकर संगम और समन्वय और समर्थन ये करके प्रजा हित के लिए जो काम है वो सराहनीय है उसको ऐसे ऐसे लोग कई लोग आने से समाज जी ने आपने पूछा है ना समाज आगे आना है इसलिए समाज आने से सरकार समाज और शास्त्र तीनों का संगम से ये तो लोगों का हित होगा लोगों का सुख होगा ये अच्छा विषय है धन्यवाद धन्यवाद।
To help me, you can go to the subscribe button on my YouTube and subscribe. We need more subscribers there. Secondly, I get lots of emails on people saying, how do we donate? How can we help you? You go to rajivmalhotra.com or you go to infinityfoundation.com and you can hit the donate button. If you're in a foreign country like in the US or somewhere, you can donate in dollars. There are different ways mentioned. If you want to donate in rupees, there is a column called Infinity Foundation India and you click that and there are instructions on how you can donate in India.